So, Ms. Madhu, question number 3. Calculate the value of magnetic field at a distance 2 cm from a very long straight wire carrying current 5 ampere given mu naught is equal to 4 pi 10 is to minus 7 Weber per ampere meter. Ms. Madhu, how do you do this? Sir, B is equal to mu naught upon 4 pi into 2 I upon R. वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा. दे हैव गिवन कि I का वैल्यू इज 5 एम्पियर एंड R उन्होंने सेंटीमीटर में दिया है तो हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है मैडम. हाँ, ये करंट आई जा रहा है. इसका जो फॉर्मूला वो है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R. और आपको रिकमेंडेड है कि इसको ऐसे लिख लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर. ओके, इसकी वैल्यू आपको पता है. ये जो वैल्यू है ये 10 रे माइनस 7 की होती है. तो ये शॉर्ट एंड स्वीट 2 आई बाय आर करके ये फॉर्मूला बन जाता है. इसमें तो यहाँ तक ठीक है. यस सर, यस. अब क्योंकि आप ऐसे यूनिट में करना चाहते हैं तो हम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहते. तो जो डिस्टेंस हमें दिया जा रहा है, हमें जो डिस्टेंस दिया जा रहा है, डिस्टेंस कितना मैडम? 2 सेंटीमीटर. जो करंट है वो तो 5 एम्पियर है. हाँ. और उन्होंने यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर. उसका हम बना लेंगे 2 by 100 meter. इसमें तो ठीक है. यस यस. तो ये 2i/r होगा. इसको मैं आर लिख देता हूँ. ये 10^-7 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन आर जो है वो डिस्टेंस है कहाँ जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं. तो वो जो है वो 2/100 आ जाएगा. इसमें तो यहाँ तक ठीक है. यस सर, यस. तो जो कैलकुलेशंस है मैडम, वो कैलकुलेशंस देख लीजिए. कैलकुलेशंस देख लीजिए. ये देखिए, ये 5 एम्पियर का करंट जा रहा है. ये उसकी चिंता मत कीजिए, वो ऊपर नीचे सेम ही है, उसमें चिंता मत कीजिए. सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो वैल्यूज हैं वो आप जब पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करके ये आपके पास 5 × 10^-5 टेस्ला जो है वो आपका आंसर आ जाएगा. इसमें तो नहीं समझ रहा. अब इसमें एक दो चीजें और थोड़ा कंफ्यूजन करेंगी आपको. ज्यादा कंफ्यूजन होने से पहले ही उसका इलाज मैं आपको दे देता हूँ. कभी ना कभी आपको कंफ्यूजन रहेगी. देखिए, फॉर्मूला आप जो लिखते हैं वो लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i/r. फॉर्मूला आप लिखते हैं ऐसे. देखिए, थोड़ा यूनिट एनालिसिस मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको चीजें समझ आनी शुरू होंगी. जो म्यू नॉट है वो उसने म्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी है आपको क्वेश्चन में? 4 पाई इंटू 10^-7 डब्ल्यू बी पर एम मीटर. हाँ, तो वो थोड़ा आप तसल्ली से उसको समझ लीजिए. ये है वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर. नहीं समझ में आया? यस सर. मैडम, इसका जो आपको उसने ये यूज किया ना, ऐसे करके लिखा हुआ है. हाँ, 4 पाई इनटू 10^-7 डब्ल्यू बी बाय करके लिखा है ना. तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो 4 पाई है वो मैं इसके नीचे इसको ले लिया तो ये एक्सप्रेशन बन गया. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लिखा है ये क्या लिखा हुआ है. ये वेबर है, साइड में एम्पियर है, ये जो ए है ये एम्पियर है, ये मीटर है. यहां तक क्लियर है? यस सर. अब देखिए, ये जो आई होगा ये होगा एम्पियर. हाँ. ये जो आर है ये होगा मीटर. मीटर में. हाँ. तो यहां तक क्लियर है? यस. ये एम्पियर और ये एम्पियर मैडम कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर. यहां तक ठीक है? Yes. अब आपको ये याद रखना है कि जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है इसको बोला जाता है टेस्ला. नहीं समझ में आया? Yes. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट आपको बता देता हूँ कि क्लास 11th में आपने एक ऐसा फॉर्मूला किया था. एक बार नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर में एनीवेज हमें काम आने वाला है, नोट कर लीजिए. मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, नोट कर लीजिए, पर यूनिट एरिया, नोट कर लीजिए. बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. हमें नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले यही फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक प्लस फ्लक्स पर यूनिट एरिया. याद रखना, बड़ा
याद रखना बहुत आसान है, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं समझ में आया? हाँ अब क्योंकि अगर आप एरिया कम कर देते हैं, एरिया कम कर देते हैं तो उसकी आपको ऐसा लगेगा कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो आपने इंक्रीज कर दी। यस इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। नहीं समझ में आ रहा? हाँ ये यस फॉर्मूला हमें किस लिए चाहिए, ये फॉर्मूला हमें किस लिए चाहिए ये भी देख लीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड आता है टेस्ला में, मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर किया जाता है वेबर में, और जो एरिया वो होता है मीटर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हमारे पास ये वाली कन्वर्जन आई। इसमें तो बिल्कुल नहीं समझा? समझा सर। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया, मैं आपको ये चीज मैंने यहाँ नोट्स में भी लिखी हुई है, ये भी आपको याद दिला दूंगा कि आप ये देखिए, यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसमें आप ऐसे लिखने पड़ वाले हैं, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर इंटू एम्पियर अपॉन मीटर। ये जब कैंसल हुआ तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। नाउ वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू टेस्ला, इसलिए जो फाइनल आंसर है वो ऐसे ये टेस्ला में लिखा जाता है। अगर आप वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी छोड़ के आएंगे तो अंडरस्टूड है, बट मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि आंसर तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, जो किताब वाला है वो उसको टेस्ला क्यों बोल रहा है। और वो जो कन्वर्जन है वो यहाँ ये नोट्स में तो मैंने अभी आपको लिखवाई है, वो नोट्स में यही लिखी हुई है। इसमें तो समझ में आया? यस सर समझ। शांति हाँ।